जोधपुर जिले के रातानाडा क्षेत्र में सूर्या ट्विन टावर के एक फ्लैट में शुक्रवार को चार शव मिलने से सनसनी फैल गई। दिल दहला देने वाली इस घटना में परिवार का मुखिया फंदे पर झूलता मिला, जबकि उसकी पत्नी व दो बच्चों के शव नीचे पड़े मिले। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि पति ने पहले पत्नी, बेटा और बेटी की हत्या की और फिर खुद ने भी फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंचकर पुलिस और FSL टीम ने साक्ष्य जुटाए। मामले में पुलिस कमिश्नर जॉस मोहन ने बताया कि सूर्या ट्विन टावर में रहने वाले 45 साल के दीनदयाल अरोड़ा, उसकी पत्नी 42 वर्षीय सरोज, 13 वर्षीय बेटा हिरल और 7 वर्षीय बेटी तन्वी अपने फ्लैट में मृत पाए गए हैं। दीनदयाल घंटाघर सब्जी मंडी के पास कपड़े की उसकी दुकान है। सुबह वे मकान से बाहर नहीं निकले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। काफी देर बाद बाहर नहीं आने पर पड़ोसियों ने दीनदयाल के परिवार को आवाज लगाई। इसके बाद फ्लैट में जाकर देखा तो यह दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। फिलहाल पुलिस इसे आत्महत्या या फिर हत्या दोनों एंगल से जांच करने में जुट गई है। मामले की जांच रातानाडा थाना प्रभारी लीला राम को सौंपी गई है। अभी मौका मुहैया किया है, FSL टीम को बुलाया हुआ है और इसमें जो घर का मुख्य आदमी है वो कपड़े का व्यापार घंटाघर क्षेत्र में करते थे। अभी बाकी छानबीन कर रहे हैं कैसे क्या घटना हुआ है, उसका पता रेसी किया जा रहा है। किन परिस्थितियों में शव मिले यहाँ पे, अंदर क्या हालात थे? ये इनका घर से सुबह नॉर्मली जो पड़ोसी से बात होते थे और आज सुबह वहाँ घर से कोई आवाज़ नहीं आया, किचन में वहाँ देखे नहीं है, इसलिए पड़ोसी को लगा है कि कुछ सस्पिशियस लगा है, तो उन्होंने उनके रिश्तेदार को फ़ोन किया है और मृतक का जो भाई और बाकी रिश्तेदार यहाँ आके खोलने का प्रयास किया तो अंदर से आवाज़ नहीं आ रहा था। एक ही परिवार के चार लोगों के शव घर में पड़े मिले हैं। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ जोधपुर से फोन लाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता जितेंद्र डूडी। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? सुबह का मामला है, शाम होने को आई, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? आखिर क्या वजह रही इन चारों लोगों की मौत होने के पीछे? देखिए, बताना चाहूंगा कि फिलहाल अभी पुलिस जो है आत्महत्या के पहलू को भी जांच कर रही है, साथ साथ हत्या के पहलू को भी जांच करी। फिलहाल जो पुलिस को जो FSL टीम और इन लोगों ने जो फॉरेंसिक टीम जो जांच की थी, उनके जांच में ये सामने पाया गया कि कोई जहरीले पदार्थ, खास तौर पर नशीली गोलियां जो है खाकर इनको जो है आत्महत्या की है और परिवार का जो स्वयं व्यक्ति था उसने जो है फंदा लगाया। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है जो मकान मालिक है, जो स्वयं मालिक है, उसने पहले अपने बच्चों और पत्नियों को नशीली दवाई खिलाई, गोलियां खिलाई और उसके बाद जो है फांसी के फंदे पर लटका। पुलिस भी इसी पहलू पर जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस जो है आसपास के पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ कर रही है कि इनका व्यवहार कैसा था, किस तरह से। तो फिलहाल कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है कि अभी क्या पुलिस सारे पहलू को जांच कर रही है। जी बिल्कुल, जांच के दौरान क्या किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट वगैरह मिला है? क्योंकि इस प्रकार के जो भी मामले देखे जाते हैं जिसमें सामूहिक आत्महत्या हो या फिर इस प्रकार का जो सीन होता है तो उसमें सुसाइड नोट मिलता है, जिससे कि ये पता चलता है कि आखिर क्या वजह रही होगी इस इतने बड़े कदम के पीछे। देखिए, बताना चाहूंगा फिलहाल ऐसा कोई प्रेस नोट, ऐसा कोई नोट नहीं मिला है, सुसाइड नोट नहीं मिला है। हाँ, पुलिस ने इनके मोबाइल को जरूर जब्त करके जो है फॉरेंसिक अपने साथ लेके गई है। हो सकता है कोई मोबाइल में ऐसे कोई जो चीजें हैं वो मिल सकती है। फिलहाल मोबाइल भी लॉक है, उससे पुलिस अभी तक खोल नहीं पाई है। तो जब तक मोबाइल खुलेगा नहीं, लॉक नहीं खुलेगा, तब तक कुछ भी पुलिस के सामने भी अभी बहुत चुनौतियां हैं, बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा पुलिस को भी। जी बिल्कुल, कई बार देखा जाता है सूदखोरों से परेशान होकर इस प्रकार से सामूहिक आत्महत्या की जो घटना है उसको अंजाम दिया जाता है, तो ऐसे में क्या कोई पुलिस रिकॉर्ड सामने आया है जिसमें कि इस प्रकार की कोई शिकायत पुलिस थाने में इस मुखिया के द्वारा की गई हो पहले? नहीं, आशीष, बताना चाहूंगा कि पुलिस के पास ऐसे कोई पहले ऐसे परिवार पेश नहीं किया गया। ये छोटी सी अपनी दुकान जो है घंटाघर में चलाते थे और इतना बड़ा इनका कोई व्यापार भी नहीं था। चूड़ियों की दुकान थी जो अपने घंटाघर में लगाते थे, सुबह निकलते थे, शाम को घर आते थे। अच्छा परिवार था, पड़ोसियों ने बताया कि अच्छा परिवार था, शांत माहौल में रहने वाले लोग थे, कुछ हंसमुख लोग थे, लेकिन पता नहीं इन्होंने किस तरह से कदम उठाया, ये पड़ोसियों का कहना है। पड़ोसियों का ये भी कहना है कि कल शाम तक इनकी बात हुई है, उनकी बातों से नहीं लगा
कि इतना बड़ा ये कदम उठा सकते हैं। जी जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे जोधपुर संवाददाता जितेंद्र डूडी, जिन्होंने बताया कि फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये घटना आत्महत्या है या फिर हत्या की गई है। दोनों ही एंगल से पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरा खुलासा पुलिस जांच के बाद में हो पाएगा।